हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बताऊंगा जो आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे ऐड कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स, और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये सभी पौधे बहुत ही हार्डी हैं और ईजी टू ग्रो हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे पास पौधा है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा है, ये इंडोर प्लांट भी चल जाता है, आउटडोर भी चल जाता है। आप कोई भी जगह पर इसको रख सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा टाइम टाइम पे हमें पूरी करनी पड़ती है। इसकी जो दोस्तों कॉस्ट है, जो आप देख सकते हो, एक बड़ा पौधा नहीं है ये, मीडियम साइज़ प्लांट है ये, आपको 40 रुपीज़ का हर एक नर्सरी से मिल सकता है। कई नर्सरी ज़्यादा महंगा भी दे सकती हैं, पर हमारे यहाँ पे ये 40 रुपीज़ का मिलता है। और ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, ये हवा को भी शुद्ध करता है। अगर आप ऐसे पौधे भी लेना चाहते हो जो ऑक्सीजन दें और एयर प्योरीफाई करें आपके सराउंडिंग की, तो आप इस पौधे को ऐड कर सकते हो। इसको अगर सेरामिक पॉट में लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक रूम में अगर आप रखेंगे। और इसकी ज़्यादा बुशीनेस क्रिएट करने के लिए आप ऊपर से इसको तोड़ सकते हैं, और उस तोड़े हुए पार्ट को भी आप लगा के बहुत ज़्यादा इसके पौधे बना सकते हैं। और हमारे पास अगला पौधा है, उसका नाम है शेफलेरा, इसको स्केफलेरा के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। एक ड्वार्फ में आती है, और एक नॉर्मल जैसे एडल्ट प्लांट आप देख सकते हो, और एक ग्रीन कलर में आती है, और एक वेरीगेटेड में आती है। ये वेरीगेशन वाले हैं, ये भी 50 रुपीज़ का आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो नर्सरी है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर पंजाब में लुधियाना साइड है। इसका जो एड्रेस है मैं आपको नीचे दे दूँगा। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसको भी अगर आप सेरामिक प्लांटर में लगाओगी ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। इसकी दोस्तों जो वेरिएशन है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसको लाइट जहाँ पे इंटेंसिटी तेज़ हो पर उसकी सनलाइट की जो सीधी जो इसके ऊपर प्रकोप ना पड़े वहाँ पे रखें, और आपका पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से वहाँ से चलेगा। और इसके साथ ही दोस्तों, हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है ड्रेसिना मार्गिनाटा। ये ड्रेसिना मार्गिनाटा की दो वैराइटीज़ हैं, इसमें रेड कलर भी आता है और एक ग्रीन कलर भी आता है। आप कोई भी पौधे का जो कलर है लेकर आ सकते हैं, और इनको दोनों को इकट्ठा भी एक पॉट में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है जो मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा इसकी शेप को बिगाड़ देती है, कि अगर आप इसको दीवार के साथ रखते हो बिल्कुल, तो इसके पत्ते हैं वो बहुत जल्दी से टूटते हैं और बहुत जल्दी से ये पौधा ख़राब होना लग जाता है। इसलिए आपने वहाँ से ध्यान रखना है कि जब इसको वॉल से लगाओगे तो इसके पत्ते ज़्यादा उसको टच नहीं करने चाहिए, जिसके साथ ये पौधा बिल्कुल ख़राब दिखने लग जाता है और इसके जो पत्ते हैं दोबारा से सही भी नहीं हो पाते। वैसे ये बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है और एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इसकी कॉस्ट 35 रुपीज़ थी यहाँ पर। और दोस्तों उसके साथ है हमारे पास एरोकेरिया का पौधा। एरोकेरिया सभी का जाना माना पौधा है, इसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी, 5 इंचज़ के क्ले पॉट में था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो शेप्ड प्लांट्स थे आप देख सकते हो। और इसको दोस्तों आपको ज़रूर लगाना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है। और ये बहुत ही ज़्यादा कम स्लो ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा समय के लिए हमारे घर पे अच्छी शेप में रह सकता है। जब भी आप इसको लगाते हैं इसके ऊपर पानी की जो मिस्टिंग है वो ज़रूर करें, जिसके साथ ये पौधा है हमेशा हरा रहेगा, क्योंकि इसको मॉइस्चर इसके अराउंड में होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके साथ पत्तों की शेप भी बनी रहती है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास पौधा है उसका नाम है फाइकस, इसको स्टार फाइकस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला एक पौधा है। मैंने इसको 2 साल पहले अपने गार्डन में ऐड किया था, और जितना मेरा एक्सपीरियंस इस पौधे के साथ गया है कि ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है मैं कहूँगा, क्योंकि जब भी मैंने इसको पानी दिया है, कभी कभार पानी रह भी जाता था पर इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता था। ना इसके पत्ते पीले होते थे, ना इसके पत्तों में कोई प्रॉब्लम होती थी। सिर्फ एक चीज़ है जो आपको इसको ध्यान में रखनी है, वो भी सर्दियों में, जब भी सर्दियाँ का जो मौसम आता है उसमें थोड़ा सा उस ऊपर से इसकी जो टिप है वो आपको काटनी चाहिए, जिसके साथ जो इसकी ग्रोथ है, नीचे वाली ग्रोथ है, उसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, नहीं तो इसके पत्ते हैं जो फॉल ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और हमारा जो अगला पौधा है उसका नाम है डेविल्स बैकबोन, और इसको दोस्तों मैंने 1 साल पहले ऐड किया था और बहुत अच्छे तरीके से ये अभी तक मेरे यहाँ पर ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हैं जो ये वाले पत्ते हैं, ये इसके नए पत्ते हैं, अभी नए पत्ते ये निकाल रहा है, और सर्दियों में इसके भी पत्ते सभी चले जाते हैं, रेड हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है। दोस्तों इसको आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। मेरे पास एक्चुअली इसके 2 प्लांट आ गए थे, एक ही जैसे पॉलीबैग में, एक था वेरीगेटेड, एक था बिल्कुल ग्रीन कलर, और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ये बुशी हो जाता है थोड़े से समय बाद। अभी देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा बुशी हुआ है। जब मैं लेकर आया था इसमें 4 या 5 ब्रांचेस थी और अभी इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस कंपैरेटिवली पहले से आ गई हैं। सो इस पौधे को भी आप ऐड कर सकते हैं। जो मैंने दोनों पौधे आपको दिखाए हैं ये मुझे 40 रुपीज़ ईच के मिले थे। ये दोस्तों कुछ पौधे थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, इंडोर प्लांट्स जो आप बहुत कम कॉस्ट पर अपने घर पर ऐड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको भी यही प्राइसेस पे मिले। अगर ज़्यादा महंगे प्राइस मिलेंगे तो आप कोई और नर्सरी से जाके चेक करें, जो छोटी नर्सरी हो, ज़्यादा उनमें प्लांट्स ना रखे हों, वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस पे बहुत अच्छे और बहुत ही एफोर्डेबल प्लांट्स मिल जाते हैं और हरे प्लांट्स मिलते हैं। और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐड कर सकते हो और उसके हिसाब से आप ये पौधे ऐड करिए। और भी काफ़ी सारे पौधे हैं, उसके लिए मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो गो टू माई चैनल। आई हैव मेड मैनी वीडियोज़ रिगार्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स और ऑल्सो ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर द वेजिटेबल्स। और आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा फेवरेट प्लांट है।